चलिए अब खबर दिल्ली से है, जहां जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी की पहली बैठक हुई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया गया और इंदौर मामले को लेकर भी केजरीवाल का एक बयान आया। उन्होंने अक्षय बम के मामले पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारी पार्टी के लोग कहीं नहीं जाते हैं। तो केजरीवाल आपको बता दें कि जमानत के बाद बाहर आए हैं और अब वो चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। इसी दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में तमाम उन्होंने बातें की, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और इंदौर में जो अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया था उस मुद्दे पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी ही पार्टी के ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाते। यकीन नहीं होता ये पार्टी कैसी है, इनका कोई नहीं टूट रहा। बाकी तो कई जगह से सुनने आया वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, और एक ये हमारी पार्टी है जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए अब, लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। इनको सारा सब कुछ करके देख लिया, ईडी की धमकी भी इनके ऊपर काम नहीं करती। तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है जो आज हम लोग टिके हुए हैं, और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है।